राधे कृष्ण गुरु जी लास्ट टाइम मैं आपको न्यूज़ नेशनल न्यूज़ पे डिबेट पे मिली थी और उस टाइम पे मैंने आपके लिए कुछ गलत बोला था जब मैं uh, सोचती थी कि ये बाबा सब ढोंगी होते हैं मतलब बाबा कुछ नहीं होते जो होते हैं बस कृष्णा ही है सब कुछ बाबा नहीं होते हैं बट जब मैं यहाँ पे आई वृंदावन और मैं आपके आश्रम में आई और यहाँ की सेवा को देखी जिस तरीके से आप इतनी विध माताओं की सेवा करते हो इतने सारे बच्चों का लालन पालन कर रहे हो और तो और पूरा टाइम आपका 24 घंटे जो आपका किचन ओपन रहता है और इतने लोग प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं वो देखकर मेरी सोच बिल्कुल ही चेंज हो गई है और आपको जब मैंने नेशनल न्यूज़ पे देखा था तो मुझे आपको देखते ही लगा था यार मैं कुछ गलत बोल रही हूँ आप में ना कृष्णा की झलक दिखी मुझे और पहली बार ऐसी लाइफ में है कि मैं अगर किसी को मानती हूँ तो वो आप हो और इतनी दूर से दोबारा आपसे मिलने आई हूँ मैं यहाँ पे मैं आपका परिचय करा दूँ मैं एक बार न्यूज में गया था जिस न्यूज में एक बहन ने बोला था कि मैं शराब पीती हूँ है ना वो शराब पीने वाली बहन के बगल में यही बैठी थी है ना जी तो उस समय ये मेरे से सवाल मैंने नहीं, नहीं बोला था कि मैं शराब आपने <laughs> आपने नहीं बोला नहीं, आपने नहीं बोला बोला हाँ आप उनके बगल में बैठी थी हाँ उस समय न्यूज में एंकर में ये भी थी मेरे सामने डिबेट में जी। तब ये गौरी गोपाल को जानती नहीं थी तो ये बहुत क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी उस समय कि ये गलत है वो गलत है लेकिन जब यहाँ के देखा तो देखो इन्हें सब अच्छा लगा जी बिल्कुल तो मेरा आपसे एक प्रश्न है भगवान का दिया कृष्णा को मैं बचपन से ही मानती हूँ बहुत ज़्यादा और उनका टैटू भी करवाया अपने हाथ पे जी तो आ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान का दिया सब कुछ है अच्छा घर है परिवार है गाड़ी है फेम है नाम है पैसा है बट सुकून नहीं है तो ये सुकून कैसे मिलेगा जब मैं कृष्णा से जुड़ती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है बट इतना ज़्यादा अपने तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सुकून मिलेगा कथाएं सुनिए वृंदावन से जुड़े रहिए और कथाएं सुनते रहिए धीरे धीरे आप इतना परिवर्तित अपने आप को देखेंगी बदली हुई कि आप सोच नहीं सकती हम ना कोई यहाँ पर कोई किसी को टैबलेट नहीं देता कोई इंजेक्शन नहीं है लेकिन फिर भी लोगों का हृदय ना परिवर्तित हो जाता है मैं आपको बताऊं कल की एक बात तीन भाई हैं तीनों भाई आपस में बात नहीं करते थे तीन देवरानी जेठानी तीन भाई की तीनों पत्नियाँ उनका परिवार बिल्कुल टूटने की कगार में था परी बिल्कुल तीनों भाई अलग एक दूसरे के खिलाफ तीनों पत्नियाँ अलग एक दूसरे के खिलाफ लेकिन मैंने केवल उनके साथ आधा घंटा समय दिया और उस आधा घंटा में उनके वर्षों मतलब दस दस पंद्रह पंद्रह साल पुराने घाव आधे घंटे के अंदर मैंने भर दिए और वो मिलजुल के इसी कथा में वो एंजॉय कर रहे हैं पूरा परिवार अब साथ में घूम रहे हैं तीनों जिठानी देवरानियाँ तीनों भाई सगे बाप खुश मामा रोती रोती आई मेरे पास महाराज जी मेरा बेटा जा रहा है नहीं सुन रहा है लेकिन कथा के प्रभाव से केवल आधे घंटे मैंने बात की उनसे देखो ये प्रभाव है तो आप सुनिए कथाएं आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब बदल गई वैसे भी देखो हम न्यूज पहुंचे तो उतने से इतना परिवर्तन हुआ कि आप खींची चली आई वृंदावन जी बिल्कुल ऐसी परिवर्तन होगा कथाओं से आज की युवा पीढ़ी सत्संग से हट गई इसलिए डिप्रेशन में चली गई काश सत्संग से जुड़ी रहती तो वो ऊंचाई तो पाती आप कामयाबी तो पाए कामयाबी पाने के लिए मना ही नहीं है लेकिन कामयाबी पाकर भी सुकून जो आप कह रही हैं, वो सुकून तब आएगा जब पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण होगा सत्संग होगा आत्मज्ञान क्या होता है ना कि सामने कमरा तो है सामने व्यवस्थाएं हैं पर लाइट नहीं है लाइट नहीं। अंधकार है अंधकार होने से हमें दिखाई कुछ नहीं है सब कुछ पर दिखाई नहीं पड़ रहा उसी तरह जीवन में अज्ञान का अंधकार छाया रहता है इसलिए सब कुछ होते हुए भी वो सुकून नजर नहीं आता शांति जिस दिन ज्ञान की रोशनी आएगी ना तो सुकून सामने नजर आएगा अच्छा यहाँ सुकून है यहाँ आनंद है अब तो वैसे भी वृंदावन हर महीने आऊंगी क्योंकि आप में कृष्णा को जो देखा है तो हर महीने आपको देखना तो जरूर आऊंगी राधे कृष्णा सुखी रहिए